हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 4, आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर 4 का। आगे मैंने करवा दिया है। ए मैन प्रेजेंट विजिट टू इंडिया फ्रॉम काबुल, तो इसके बारे में है आज लेसन। तो मैं आपको इसके करेक्ट आंसर एंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक सब आज रिवीजन कराऊंगी। तो सबसे पहले है, फर्स्ट है द मैन फ्रॉम काबुल पॉइंटेड टू ए पाइल ऑफ, तो यहाँ पे है क्लॉथ बुक्स स्वीट्स, तो क्या आएगा स्वीट्स। व्हेन द वेंडर आस्क्ड द मैन फ्रॉम काबुल टू पे, हाउ डिड ही रिस्पॉन्ड, तो इसमें है ही स्माइल्ड, ही गो टू एंग्री, ही पेड फॉर स्वीट्स, तो यहाँ पे आसे ही स्माइल्ड। थ्री, क्वेश्चन नंबर 3, द मैन फ्रॉम काबुल वॉज वेरी, फिर हैप्पी, अनहैप्पी एंड एंग्री, तो इसमें आएगा हैप्पी। द पोलिस पुट द मैन ऑन एंड, तो एस, इसमें आसे हॉर्स काव एस, तो एस। ये हो गए करेक्ट आंसर। अब हम करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Did the man pay for sweets? No, the man did not pay for the sweets. जो उसने स्वीट ली थी इसके लिए उसने पैसे दिए तो नहीं दिए। Why was the man from Kabul punished? उसको पनिश क्यों हुई? The man from the Kabul was punished because he did not pay the vendor for the sweets he had eaten. Why was the man from the Kabul हैप्पी इंस्टेड ऑफ बीइंग शेम, वो खुश क्यों होता था? द मैन फ्रॉम काबुल वॉज हैप्पी बिकॉज ही डिड नॉट अंडरस्टैंड इवन ए सिंगल वर्ड, इंस्टेड ही टुक टू ऑल द दैट वॉज हैपनिंग विथ हिम एज रिवॉर्ड। उसने जो लेसन में आता है कि उसने जो स्वीट के लिए पैसे नहीं दिए थे तो वो ऐसा समझता था कि ये पैसे लेना नहीं चाहता, इसीलिए पैसा नहीं दिए, चला गया, तो वो वेंडर था उसने उसकी शिकायत कर दी, इसने पैसे नहीं दिए, तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया और रेस्ट पे बैठा के उसे सारे गांव में घुमाया। तो वो स्माइल करता था, उसको मालूम नहीं था कि मुझे पनिशमेंट हुई है, उसको लगा कि यहाँ ऐसा ही करते होंगे, इसीलिए वो हंसता था कि मुझे कैसा रिस्पेक्ट देते हैं। आगे है, व्हाट डिड ही से टू हिज नेबर्स, उसने वहाँ जाके उसने नेबर्स को क्या बोला? ही सेड टू हिज नेबर्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी जनरस एंड फ्रेंडली, दे गिव सो मैनी थिंग्स फॉर फ्री, इफ यू पॉइंट टू ए पाइल ऑफ द स्वीट दे से इट अप। हाउ डिड द मैन एडमायर इंडियंस, द मैन सेड दैट इंडियंस आर वेरी जनरस एंड फ्रेंडली। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर, टिक द करेक्ट आंसर एंड क्वेश्चन आंसर। अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज द मैन फ्रॉम काबुल लव्ड द स्वीट, द वंडर वेंट टू द पुलिस, द पीपल ऑफ द इंडिया आर वेरी जनरस, द पुलिसमैन गिव यू ए शेव फॉर फ्री, The man from the Kabul beamed because he hadn't understand the word. अब हम करेंगे make the following. सबसे पहले है cluster, two stars, a row of the house, bunch of the keys, shawl of the fish, फिर है herd of the cow and flock of the sheep. ये हो गए हमारे क्वेश्चन और मैचिंग। अब करेंगे राइट द सुटेबल कंजक्शन इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स, जो ब्लैंक भी है उसमें हमें राइट कंजक्शन लिखने का है। सबसे फर्स्ट है इशिता हैज बुक्स ऑफ हिंदी इंग्लिश, तो हमें मुझे क्या कंजक्शन लगाने का है एंड, तो इशिता हैज बुक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश।
ही ईट्स ए लॉट. फिर ब्लैंक्स है, ही इज वेरी वीक. यट, तो ही ईट्स ए लॉट यट ही इज वेरी वीक. ही वॉज पनिश्ड. फिर ए ब्लैंक, ही डिडंट पे फॉर स्विफ्ट. तो ही वॉज पनिश्ड बिकॉज he didn't pay for sweet. I can swim but I can't dance. So I can swim, blank है वहाँ में but रखेंगे, but I can't dance. मैं swim कर सकती हूँ but मैं dance नहीं कर सकती. He is tall, strong. तो he is tall and strong. और last है you cannot score good marks unless you work hard. तो यू कैन नॉट स्टोर गुड मार्क्स स्कोर गुड मार्क्स. फिर ए ब्लैंक वहाँ पे हम रखेंगे अनलेस यू वर्क हार्ड. लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द नेक्स्ट. इसके आगे लेसन है एलेक्सेंडर द वाइज हॉर्स राइडर्स राइड्स. लेकिन ये चैप्टर 5 हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. आपको ये सब किस में करने का है, रिवीजन क्वेश्चन आंसर. और टिक द करेक्ट वो रिवीजन में अपने नोटबुक में लिखने का है और होमवर्क में भी करने का है. तो नेक्स्ट टाइम हम आगे करेंगे यूनिट नंबर 5. थैंक यू.